हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा सरोहा। आज हम पढ़ने वाले हैं राइजोबियम के बारे में कि राइजोबियम होता क्या है, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कैसे हम राइजोबियम को एज अ खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोडक्शन देखेंगे, कैसे एक बैक्टीरिया एक खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो पूरी प्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि राइजोबियम होता क्या है। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूंगी, जब आप पढ़ रहे होंगे और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये वाली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जो कुछ ऐसा होगा या इससे बेहतर होगा। थैंक यू। तो राइजोबियम के बारे में, राइजोबियम होता क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिलस रेडिसिकोला। ठीक है, राइजोबियम को हम बेसिलस रेडिसिकोला भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। ये क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कहां पर प्रेजेंट होता है? सॉइल में। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। जब तक आप वो नहीं देखोगे आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा तो शायद आप समझ जाएंगे कि ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, अगर आप इस डेफिनेशन को समझते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो आई बटन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक, अगली बात है, ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। साथ ही साथ ये क्या है? मोटाइल है, एरोबिक है, रोड शेप है। ये सब राइजोबियम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएटेड विद रूट नोड्यूल्स इन द हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था लेग्यूमिनस में, जैसे ये रूट हो गई, रूट में गांठ प्रेजेंट होती है, उन गांठ के अंदर ये राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। एक और बात है, ये रेड इन कलर होती है, रेड कलर की होती है ये। साथ ही साथ रूट नोड्यूल्स आर स्मॉल नॉब लाइक आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। मैंने आपको बताया ना कि ये रूट्स में पाई जाती है और ये स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, किसकी? ये जो नोड्यूल्स होते हैं। ये कहां मिलेंगे राइजोबियम? आपको रूट नोड्यूल्स मिलेंगे। किनके रूट नोड्यूल्स में? फैबिएसी फैमिली होते हैं, लेग्यूमिनेसी है, जैसे मटर हो गई, ग्राम होगी, मूंगफली होगी, ग्राउंड नट होगी एक्सेट्रा, और जो भी फलीदार पौधा होगा। ठीक है, जो भी फलीदार पौधा होगा उसकी जो रूट होगी उनकी गांठों में राइजोबियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बेसिक हमने जान लिया कि राइजोबियम क्या है। फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बायो फर्टिलाइजर हम राइजोबियम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। वीडियो समझ में आ रही है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेगी और आप लोगों का ये एक तरीके का एप्रिसिएशन है। सो गाइस, ये है स्टेप्स ऑफ राइजोबियल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। आप समझ पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, कि ये कुछ स्टेप्स है राइजोबियल के एज अ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का। ठीक है, राइजोबियम को एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना उसके प्रोडक्शन के लिए, ताकि उसको हम एज अ खाद इस्तेमाल कर सके। सो फर्स्ट इसका जो स्टेप है जो हमें पढ़ना है वो है आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम। हमें राइजोबियम का खाद बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? राइजोबियम प्राप्त तो करेंगे, ठीक है, तभी तो हम उसका खाद बना पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम को आइसोलेट करना है। हम सैंपल लेंगे। सैंपल से क्या मतलब है? हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट लेंगे, फली वाला पौधा लेंगे, जहां जिसके जड़ में रूट नोड्यूल्स मिलते हैं, उन रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम होते हैं। जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने पहले एक वीडियो में दिया हुआ है, पार्ट वन में। ये पार्ट टू है, अगर आप वो समझ गए तो ये तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप वो वाली वीडियो भी देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, पहले आप उसको देखना, तब आपको ये ऐसा लगेगा कि कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान फ्लो में आता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम सैंपल लेंगे। ये मैंने स्टेप्स में लिया है ताकि आपको पता चलता रहे, एक जो है पैराग्राफ में ना हो, ताकि अगर फ्लो टूट गया तो मतलब सारा ही आगे का बेकार। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, डायरेक्ट एज अ प्रैक्टिकल व्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, सो
ये क्या है, हम सैंपल लेंगे। सैंपल क्या लेंगे, सोइल और रूट नोड्यूल्स, ठीक है। सोइल या फिर क्या लेंगे, रूट नोड्यूल्स लेंगे जहां पे राइजोबियम प्रेजेंट है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हेल्दी मैच्योर नोड्यूल शुड बी टेकन। अगर हमें किसी चीज पे काम करना है, अगर आपको कहें कि एक बीमार आदमी और एक हेल्दी आदमी, आप किसको चूज करोगे, आप हेल्दी को चूज करोगे। तो यहाँ पे ये वही बात कह रहे हैं कि हेल्दी और मैच्योर नोड्यूल्स लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर से, फिर उसके बाद सरफेस को स्टेराइलाइज कर देंगे, सरफेस स्टेराइलाइज नोड्यूल्स विद मर्क्यूरिक क्लोराइड से या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से के सॉल्यूशन से या फिर 90% ऑफ इथेनॉल से, ठीक है। इससे हम स्टेराइलाइज कर देंगे। डिस्टिल्ड वाटर के स्टेराइलाइज के बाद हम किससे करेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड से या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से या फिर 90% ऑफ इथेनॉल से, ठीक है। चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, जब हम इसको स्टेराइलाइज कर देंगे इन सब चीज से, मतलब कोई भी एक चीज ले लेंगे हम, फिर उसके बाद करेंगे क्रश, उन नोड्यूल्स को क्रश करेंगे किसके साथ मिलके, डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिलके। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, क्रश से हमें क्या मिल जाएगा, सस्पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। क्रश का, क्रश करने की जरूरत क्यों है, ताकि हम सस्पेंशन एज ए सस्पेंशन उसको ले सके, उस नोड्यूल को एज ए सस्पेंशन फॉर्म में ले सके, ठीक है। फिर उस सस्पेंशन को हम पेट्री प्लेट्स में रखेंगे जिसमें यामा मीडियम ऑलरेडी है। इनक्यूबेट का मतलब क्या होता है, जो जिस चीज पे भी आप कर रहे हैं उसे, ताकि वो ग्रो अच्छा हो सके, उसको वार्म मिल सके, मतलब एक वो टेम्परेचर प्रोवाइड करा सके, ठीक है। अगर कोई टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा वार्म चाहिए, तो आप उसको इनक्यूबेट करेंगे, तो ताकि वो ग्रो अच्छे से अच्छा कर सके, ताकि वो सेफ रह सके, ठीक है। तो उसको इंक्यूबेट करेंगे 3 से 4 दिन तक, 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद ट्रांसलूसेंट ग्लिस्टनिंग इवेलुएट कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, तो हमें कॉलोनीज मिल जाएंगी। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेप कि आइसोलेट कैसे करेंगे। एक बार और मैं बता देती हूँ, आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, सैंपल में क्या लेंगे, हम सॉइल ले लेंगे, रूट ले लेंगे, फिर उसको क्या, इसमें क्या करेंगे, हेल्दी और मैच्योर नोड्यूल्स लेंगे, उसको वॉश कर देंगे स्टेराइल और डिस्टिल्ड वाटर से। क्यों, क्योंकि उस रूट पे, ठीक है, कॉन्टेमिनेशन होगा, सोइल होगी, ताकि उस रूट पे से सोइल को साफ कर सके, इसलिए हम उसको स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर से साफ करेंगे। फिर उसके सरफेस जो नोड्यूल है उसके सरफेस को स्टेराइलाइज करेंगे किसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ या फिर 90% ऑफ इथेनॉल के साथ। फिर उस नोड्यूल को क्रश कर देंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ, उसका सस्पेंशन बन जाएगा, सस्पेंशन को पेट्री डिश में रखेंगे यामा मीडियम के साथ, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 3 से 4 दिन तक, 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर उसकी क्या है, कॉलोनीज फॉर्म होंगी। अब दूसरा आता है इसमें जो आपको स्टेप पढ़ना है, वो है आइडेंटिफिकेशन, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राइजोबियम है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमने रूट नोड्यूल्स में से जो कॉलोनीज ली है वो राइजोबियम की है या नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइजोबियम, इसमें इन्होंने कहा है बोथ राइजोबियम एंड एग्रोबैक्टीरियम कैन ग्रो इन यामा मीडियम। देखिए, आपकी जो सोयल है, आपकी जो रूट नोड्यूल्स हैं, वहां पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, अगर राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है, अगर राइजोबियम प्रेजेंट है तो वहां पर एग्रोबैक्टीरियम के भी चांसेस है कि वहां प्रेजेंट होंगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ रूट है, यहाँ रूट नोड्यूल्स है, तो सिर्फ यहाँ पे राइजोबियम ही आएगा, ठीक है। वो इतने एजुकेटेड नहीं होते राइजोबियम, इतने क्या, वो एजुकेटेड ही नहीं होते, ठीक है, इंसान थोड़ा ही ना है वो। तो इन्होंने क्या कहा कि रूट्स जो है, रूट नोड्यूल्स जो है, जो सोइल है, वहां पे राइजोबियम भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एग्रोबैक्टीरियम भी प्रेजेंट होते हैं, पर हमें सिर्फ एक चाहिए, क्या, राइजोबियम चाहिए। तो हमको उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जो हमने कॉलोनी कलेक्ट की है फर्स्ट स्टेप में, जब हमने आइसोलेट किया था, हमने कॉलोनीज कलेक्ट की थी,
तो हमें वो चेक करना है कि वो एग्रोबैक्टीरियम की कॉलोनी चेक मतलब एग्रोबैक्टीरियम है या फिर वो राइजोबियम है। तो उसके लिए क्या स्टेप है, फर्स्ट जो टेस्ट है वो है क्राइमा, CRYEMA, क्राइमा टेस्ट। हम ये टेस्ट करेंगे ये पहचानने के लिए कि वो राइजोबियम है या एग्रोबैक्टीरियम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2.5 ml लेंगे कोंगो रेड डाई, उसके साथ 1 लीटर लेंगे येमा मीडियम। येमा की फुल फॉर्म होती है ईस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल अगार, ये फुल फॉर्म होती है येमा की। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें, 2.5 ml लेंगे कोंगो रेड डाई, उसमें किस चीज में, 1 लीटर ऑफ येमा मीडियम में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस येमा मीडियम में वो जो कॉलोनीज हमने ली थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो हमने वो कॉलोनीज सबसे एंड स्टेप में जो हमें मिली थी, उन कॉलोनीज को उस इसमें क्राइमा टेस्ट में या फिर येमा मीडियम में इसमें सब में मिक्स कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, वो कॉलोनीज येमा मीडियम और क्राइमा, इन तीनों को क्या करेंगे, एक डिश में रख देंगे, ठीक है। फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस तक, और कितने टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए। फिर क्या होगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर आपकी वो कॉलोनी जो आपने कलेक्ट की थी, जो आपने आइसोलेट की थी, अगर वो राइजोबियम है तो वो आपको व्हाइट कलर दिखाएगा, और अगर वो एग्रोबैक्टीरियम वाली कॉलोनी है तो वो रेड कलर दिखाएगा। हम एक बार और इस स्टेप को देखते हैं, क्राइमा कप में 2.5 ml ऑफ कोंगो रेड डाई लेंगे और येमा मीडियम लेंगे 1 लीटर, फिर जो कॉलोनीज आपने आइसोलेट की थी उस कॉलोनी को लेंगे, साथ ही साथ क्रेमा मीडियम भी लेंगे, फिर उस ये जो आपने कलेक्ट किया इसको फिर इंक्यूबेट कर देंगे 28 डिग्री पे 1 हफ्ते के लिए। अगर वो कॉलोनीज व्हाइट कलर की दिखी आपको तो वो होगी राइजोबियम, अगर आपको वो कॉलोनी दिखी रेड कलर की तो वो होगी एग्रोबैक्टीरियम। ऐसे आइडेंटिफाई हो गया। इसमें एक और दूसरा टेस्ट है ये पहचानने के लिए कि ये एग्रोबैक्टीरियम है या राइजोबियम है। दूसरा टेस्ट है लैक्टोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो एग्रोबैक्टीरियम होती है वो उस लैक्टोज को यूटिलाइज कर लेती है, पर राइजोबियम यूटिलाइज नहीं करती है। अब आप देखोगे जब आप काम कर रहे होंगे, अगर उस जो भी कॉलोनी होगी उसने अगर लैक्टोज का इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया, तो आप समझ जाना कि ये एग्रोबैक्टीरियम है। अगर वो कॉलोनी जो कि तू रही कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो आप समझ जाना कि ये राइजोबियम है। तो ये दो टेस्ट थे, क्रेमा टेस्ट और लैक्टोज टेस्ट। अब नेक्स्ट है इसमें मास कल्चर। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, आपका फर्स्ट स्टेप था आइसोलेट करना, आइसोलेट द राइजोबियम। दूसरा स्टेप था आपको आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइजोबियम। अब इसमें जो तीसरा स्टेप है वो है मास कल्चर। जो भी मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ये जो है मेन स्टेप्स है, ठीक है, वो ये ही आपके मेन स्टेप्स है जो आपको पढ़ने हैं कि राइजोबियम का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये दीज आर द मेन स्टेप्स। सो द थर्ड स्टेप इज मास कल्चर। हम क्या करेंगे, एक ब्रॉड मीडियम को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ब्रॉड मीडियम क्या है, इसमें हम इकोलाई का इस्तेमाल करेंगे, इकोलाई का हम इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा लिक्विड है, ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि ब्रॉड मीडियम क्या है, ब्रॉड मीडियम एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर पाता है, ठीक है, ऐसा मीडियम उसको प्रोवाइड कराया जाता है। इस ब्रॉड मीडियम में इकोलाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इस ब्रॉड मीडियम को प्रिपेयर करेंगे कहाँ पे, लार्ज फर्मेंटर में, ठीक है, फर्मेंटर का इस्तेमाल होगा इसमें। लार्ज फर्मेंटर में इस ब्रॉड मीडियम को प्रिपेयर करेंगे जिसको पीएच जो होगा वो 6.5 से लेके 7 तक होगा पीएच वैल्यू। फिर उस मीडियम को स्टेरिलाइज कर देंगे और उसके बाद इनक्यूबेट कर देंगे
30 से 32 डिग्री तक 3 से 4 दिन के लिए। ये है आपका मास कल्चर का प्रोसीजर, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है उसमें सिर्फ इतना ही है। इंक्यूबेट का मतलब मैंने आपको बताया कि आपको वो टेम्परेचर, वो वॉर्म प्रोवाइड करना, वो मतलब वॉर्म का मतलब वो गर्मी, ठीक है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, ताकि वो अच्छे से सेफ रह सके, ताकि वो वॉर्म रह सके, जो भी आपको प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको इंक्यूबेट करते हैं। तो इसका क्या था, मास कल्चर में ब्रॉथ मीडियम को लार्ज फर्मेंटर में रखेंगे, उसका जो पीएच है 6.5 से लेके 7 तक होगा, फिर उस मीडियम को स्टरलाइज कर देंगे और फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे 32 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 दिन के लिए। जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम उनको काउंट करेंगे कि कितनी सेल्स हैं, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है सेल काउंटिंग। तो किस मेथड से हम सेल को काउंट करेंगे, ये है सीरियल डाइल्यूशन एंड प्लेटिंग। ये वाला मेथड है जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसकी सेल काउंटिंग होगी, ठीक है। तो ये है फोर्थ स्टेप। फर्स्ट था आइसोलेशन, सेकंड था आइडेंटिफिकेशन, थर्ड था मास कल्चर, फोर्थ है सेल काउंटिंग, फिफ्थ होगा प्रोडक्शन और सिक्स्थ होगा फिर आपका एप्लीकेशन। सिर्फ 2 स्टेप रह गए। अब हमें मेन जो उसका समरी टाइप है, उसका मेन जो हिस्सा है, ठीक है, प्रोडक्शन पे आएंगे कि हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं राइजोबियम फर्टिलाइजर का, वो स्टेप देखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, ठीक है, मैं देखो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपको सीधा सीधा प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस देख पाए, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम प्रोडक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है प्रोडक्शन का। इसमें क्या करेंगे, हम करियर लेंगे इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे ब्रॉट मीडियम के साथ। इनर्ट मटेरियल कैसा हो सकता है, पीट हो सकता है, लिग्नाइट हो सकता है, फार्मयार्ड मैन्योर हो सकता है, चारकोल पाउडर हो सकता है। इन सबको जो है इनमें से कुछ भी ले लेंगे और मिक्स कर देंगे किसके साथ, ब्रॉट मीडियम के साथ, ठीक है। फिर अगर आप इंडिया में सुनेंगे तो इंडिया में जो है फार्मयार्ड मैन्योर या फिर चारकोल पाउडर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। फिर ये जो करियर पाउडर मिल जाता है हमको, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको धूप में सुखाएंगे ताकि उसमें 5% मॉइस्चर हमें वो जो है कलेक्ट कर ले, ठीक है, एनवायरनमेंट में से 5% जो है मॉइस्चर वो अपने में एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए उसको जो है धूप में सुखाया जाता है। फिर क्या होता है, उसको न्यूट्रलाइज करा जाता है बाय मिक्सिंग विद कार्बोनेट पाउडर, उसमें फिर कार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। फिर उसको ऑटोक्लेव किया जाता है 121 डिग्री पे कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और फिर उसको ड्राई कर देते हैं। फिर हार्वेस्ट करते हैं ब्रॉट मीडियम मिक्स्ड विद कैरियर। ये जो आपने कैरियर लिया और जो ब्रॉट मीडियम है उसको हार्वेस्ट करने के लिए एक ट्रे में रखते हैं, उनको हाथ से या फिर कोई मशीन के थ्रू उसको मिक्स करते हैं। फिर उसमें जो है जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो 30 से 40% होना चाहिए, यहाँ पे आपने देखा था धूप में सुखाने के बाद जो है, ताकि वो 5% मॉइस्चर कंटेन कर सके, ताकि तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं, अब वो चेक करते हैं कि जिस टाइम उन्होंने ये ब्रॉड मिक्स किया करियर के साथ हाथ के थ्रू या कोई मशीन के थ्रू, उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट जो है 30 से 40% होना चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लीव इन ए ट्रे, जो ट्रे है, ठीक है, जिस ट्रे में आपने उसको मिक्स किया है उस ट्रे को आप 2 से लेकर 10 दिन के लिए छोड़ देंगे 22 से 24 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन होता है। मैं एक बार और बता देती हूँ, इनर्ट मटेरियल का जो है ब्रॉट मीडियम के साथ मिक्स करेंगे। इनर्ट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, पीट, लिग्नाइट, फार्मयार्ड मैन्योर या फिर चारकोल पाउडर। इंडिया में फार्मयार्ड मैन्योर और चारकोल पाउडर होता है,
फिर उसको जो करियर पाउडर जो आपको मिला इसके साथ मिक्स करके, वो जो कैरियर पाउडर आपको मिला फिर उसको धूप में सुखाएंगे ताकि वो 5% मॉइस्चर जो है कंटेन कर सके। फिर इस जो आपका प्रोडक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसको ऑटोक्लेव करेंगे 121 डिग्री पे 3 घंटे के लिए। फिर उस ब्रॉड मिक्सचर को कैरियर के साथ मिक्स करेंगे या तो हाथ से या फिर कोई मशीन के थ्रू। फिर उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है 30-40% होगा और फिर उस ट्रे को जो है छोड़ देंगे 10 से 12 दिन के लिए 28-30 डिग्री पे। अब एप्लीकेशन में आपको समझ में आएगा कि हम इसका इस्तेमाल, ये जो आपका जो सामान मिला है ना उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये है लास्ट स्टेप एप्लीकेशन। अब तक आपने जितना काम किया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ गई तो आप ये समझ पाओगे कि ऊपर के स्टेप्स क्या थे। बहुत आसान हो जाएगा कि आपने ये इतना सारा काम किया ये किस लिए किया। ठीक है, इस एप्लीकेशन में ये चीज है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो हम अपना लास्ट स्टेप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स में क्या है, वाटर इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में हम पानी ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 50 ग्राम शुगर या फिर जैगरी देंगे, चीनी या फिर गुड़ 50 ग्राम वो डाल देंगे। फिर उसको बॉइल होने देंगे 15 मिनट के लिए। उसमें फिर गम अरेबिक डालेंगे 200 ग्राम। ठीक है, ये सब होने के बाद, ठीक है 15 मिनट तक उबलने के बाद उसको छोड़ देंगे कूल ठंडा होने के लिए। फिर वो जो स्टिक जो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा ठंडा होने के बाद वो कुछ चिपचिपा होगा। जब आपको पता है कि उसमें चीनी गिर गई या शुगर जैगरी गिर गई तो वो मीठा मीठा सा, मतलब आपने देखा होगा चिपचिपा सा हो जाता है। तो ठीक है, स्टिकर से सॉल्यूशन बन गया। उसमें वो जो आपने लास्ट स्टेप में राइजोबियम का जो कल्चर किया था, जो अब तक आपने इतना सारा काम किया था, उस राइजोबियम कल्चर को आप उस स्टिकर सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब इन दोनों को मिक्स कर देंगे। स्टिकर सॉल्यूशन ले लिया और उसी में जो आपने अब तक काम किया वो डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसमें क्या हुआ, फिर वो इनोकुलम स्लरी सा बन गया। स्लरी से आप मतलब समझते होंगे, हिंदी में नहीं पता पर आप गूगल कर लेना। ठीक है, इनोकुलम स्लरी बन गया। फिर अब क्या करेंगे, आपको जिस प्लांट को उगाना है, ठीक है कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट हुआ, अगर आपको उसे उगाना है तो आप उसके बीज ले लो और इसको इन दोनों को मिक्स कर दो, इनोकुलम स्लरी को और उसमें आप क्या है सीड डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स कर दो। फिर उसको सुखा दो कहीं छांव वाली जगह पे जहां पे धूप ना आती हो, ठीक है वहां पे सुखा दो। इस तरीके से मिक्स कर दो कि वो जो आपका सीड है और ये जो स्लरी है ये आपस में जो सीड के ऊपर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रॉपरली मिक्स कर लो ताकि वो सीड पे जो है कोट हो जाए, जो आपका ये जो इनोकुलम स्लरी है। फिर ये जो है सीड कोट हो जाएगी उस राइजोबियम सेल के साथ, मतलब इस स्लरी में राइजोबियम सेल्स है ना, तो ये सीड पे कवर हो जाएगी। फिर उसको क्या करना है, आपको जहां भी आपको पेड़ उगाना है उस सीड का, तो उस सीड को आप वहां जाके बो दो, तो आपका काम खत्म। इसी तरीके से उस सीड पे वो राइजोबियम अटैच हो गया, कोट हो गया और फिर आपने वो बीज डाल दिया और वो उसकी हेल्प से अच्छा ग्रो करेगा, नाइट्रोजन अच्छे से फिक्स करेगा। ये था आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइजोबियम को एज ए फर्टिलाइजर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीड पे उस राइजोबियम की कोट करके, और वो कोट बनाने के लिए, वो मिक्सचर बनाने के लिए आपका इतना सारा स्टेप था। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, कोई डाउट भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है सब बराबर है। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आपको जब भी वो वीडियो चाहिए उससे एक हफ्ता पहले आप मुझे बता दें कि हमको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एक हफ्ते की जो है मुझे टाइम ज़रूर चाहिए होता है ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।